Dear student, today I will discuss apparent weight of a body in a lift. यानी वेट के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर कोई बॉडी लिफ्ट में है और ये सभी जानते हैं कि जो अर्थ है अट्रैक्ट एवरीबॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर, यानी जो अर्थ है वो सभी बॉडीज को अट्रैक्ट करती है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी कॉल्ड द ग्रेविटी फोर्स. यानी जो अर्थ है हमारी, जैसे ये है, आप इसको छोड़ दीजिए तो ये अट्रैक्ट करती है बॉडी को. तो यानी सभी बॉडीज को जो अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है. जो फोर्स किसी बॉडी पे अट्रैक्शन फोर्स जो लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स. यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स. अब मान लेते हैं कोई बॉडी आपकी है, स्मॉल m मास की है बॉडी. इफ स्मॉल m बी द मास ऑफ बॉडी देन द ग्रेविटी फोर्स ऑन इट विल बी mg. यानी अगर किसी बॉडी का मास स्मॉल m है तो जो ग्रेविटी फोर्स होगा वो कितना होगा, वो mg के इक्वल होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी इस प्लेन पे है अर्थ के और यहां पे m मास की बॉडी रखी हुई है, ये तो ये अर्थ पे कितना फोर्स ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, mg के इक्वल लगा रही है. और इसी ग्रेविटी फोर्स जो mg है, जितना फोर्स कोई बॉडी किसी प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं वो उस बॉडी का वेट होता है. यानी वेट इस बॉडी का कितना हो जाएगा, w इक्वल टू mg. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो बॉडी आपकी अगर प्लेन पे है तो ये डाउनवर्ड वर्क करेगा इसका वेट. और न्यूटन के थर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शनरी फोर्स वर्क करेगा, उसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं. यानी डाउनवर्ड इसका एमजी वेट वर्क करेगा और रिएक्शनरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. तो इसका हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर. अब बॉडी रेस्ट में है, कोई एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेट नहीं हो रही बॉडी, एक्सीलरेशन जीरो है. और जब एक्सीलरेशन जीरो है तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए. तो एक्सीलरेशन यहां पे ए इक्वल टू क्या है, जीरो है. तो यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, यानी जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस आर. तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी. न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कह रहा है, जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, r इक्वल टू एम जी. और यही क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी, यानी w इज इक्वल टू r इक्वल टू एम जी. ये तो हमने किसी बॉडी को किसी प्लेन सरफेस पे लिया था और बॉडी रेस्ट में थी.
और हम यहां पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, कंडीशन अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। यानी कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में तो मेरे हिसाब से सभी लोग बैठ चुके होंगे। लिफ्ट रेस्ट में भी होती है, जब आप इंटर करते हैं लिफ्ट में, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है। तो इन तीनों कंडीशन में हम अपेरेंट वेट कैलकुलेट करेंगे बॉडी का, कि जब बॉडी रेस्ट में है, जब लिफ्ट आपकी रेस्ट में है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है लिफ्ट, एंड व्हेन लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी आई विल डिस्कस द थ्री कंडीशंस। फर्स्ट, इफ अ बॉडी इनसाइड इन अ लिफ्ट एंड रेस्ट, लिफ्ट इज अ रेस्ट, यानी लिफ्ट रेस्ट में, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स इफ अब लिफ्ट रेस्ट में है तो बॉडी का जो वेट है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। एंड सेकेंड कंडीशन, व्हेन लिफ्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी। इट मीन्स इफ लिफ्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द मास ऑफ द वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज आर इंक्रीजेज। ये कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन, व्हेन लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी, यानी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। और इसके बाद एक और है, जैसे लिफ्ट है ये और इस स्ट्रिंग से अटैच है कोई लिफ्ट और अचानक ब्रेक हो जाए स्ट्रिंग, तो क्या कंडीशन होगी, तो वेट क्या होगा बॉडी का, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में जो है। तो अभी हमने आपको बताया जब कोई बॉडी प्लेन सरफेस पे है और कोई रखी हुई है तो उसका वेट क्या होगा। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर बॉडी आपकी किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट पहले रेस्ट में है, इसके बाद मोशन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यदि ये मान लेते हैं कि लिफ्ट है, ये स्ट्रिंग से अटैच है, यहां पे कोई बॉडी है, मान लेते हैं इस तरीके से कोई मैन इसके अंदर है और इसका मास जो है एम है, एम मास की कोई बॉडी है, तो इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा यानी एमजी, और रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां से रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा। अगर ये लिफ्ट जो है रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, यानी नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। और अभी हमने बताया था जब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यानी एक्सेलरेशन उसका जीरो है, यानी ए इक्वल टू क्या होगा यहां पे इस कंडीशन में जीरो होगा। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आर। अब यहां पे बॉडी रेस्ट में है, आपकी जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है, यानी ए जो आपका है क्या है, वो जीरो है, तो यहां पे पुट कर दीजिए, यानी एम जी माइनस आर, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस आर, सो आर इक्वल टू एम जी। और यही क्या हो जाएगा आपका, जो बॉडी का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इक्वल टू
mg. It means if anybody inside any lift, then the weight of body is equal to the reaction force, yani reactionary force ke equal hoga. It means W equal to R equal to mg. ये कंडीशन था पहले आपकी लिफ्ट रेस्ट में है. ये तो फर्स्ट कंडीशन आपकी हुई रेस्ट में. सेकंड कंडीशन देखिए जरा क्या होगी. ये कोई आपकी लिफ्ट है और ये स्ट्रिंग से अटैच है. यहां पे कोई मैन है और ये लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा. एनजी रिएक्शनरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. रिएक्शन फोर्स ये आर, तो नेट फोर्स इसका कितना हो जाएगा. एफ इज इक्वल टू, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस आर इज ग्रेटर देन एनजी. सो आर माइनस एनजी. अब यहां पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है तो एफ की जगह क्या पुट कर देंगे, एम ए. एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एनजी. और यहां से रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, यानी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनजी प्लस एम ए. और यही बॉडी का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा यही बॉडी का, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इक्वल टू एनजी प्लस एम ए. इट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एम कॉमन ले लीजिए, जी प्लस ए. ठीक है, ये जो आपको ये निकल के आया है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, इट मीन्स इफ अ लिफ्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द वेट ऑफ बॉडी इंक्रीजेज. यानी जब आप किसी लिफ्ट के अंदर होंगे और वो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो आपका वेट जो है कुछ बढ़ा हुआ आपको फील होगा. यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जब लिफ्ट मूव कर रही होगी, अगर आप लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेट जो है आपका वो कुछ बढ़ा हुआ आपको फील होगा. और कितना बढ़ा हुआ, ये जो फैक्टर है हमारा एम इंटू ए, यानी कितना एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेट कर रही, कितने एक्सेलरेशन से, उस पर डिपेंड करेगा आपका कितना वेट बढ़ा हुआ फील हो रहा. तो मेन मैटर ये है कि अगर बॉडी अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही तो आपके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्वेश्चन आता है इफ अ लिफ्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट. तो आंसर आपका यही होगा, इफ अ लिफ्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज. ठीक, सेकेंड कंडीशन ये हो गई. थर्ड कंडीशन में आते हैं जरा. थर्ड कंडीशन, इट मीन्स इफ अ लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है अगर लिफ्ट, तब क्या आपका वेट होगा, देखिए ना. यानी ये अगर लिफ्ट अब क्या मूव कर रही हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. और यहां से आप नेट फोर्स कैलकुलेट करिए, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी ये, तो नेट फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, एनजी. रिएक्शन फोर्स अपवर्ड ही वर्क करेगा. सो आर एनजी माइनस आर,
और यहां पे F की वैल्यू पुट करिए M इंटू ए, तो M इंटू ए इक्वल टू एम जी माइनस आर, सो R इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। सो वेट ऑफ बॉडी यानी W इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। इट मीन्स इफ अ लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, यानी जितना डिक्रीज होगा, ये जो माइनस साइन शो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गई। अब अगर लिफ्ट आपकी मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अचानक जो स्ट्रिंग है, ये जो बंधी हुई स्ट्रिंग है, ये ब्रेक हो जाती है, और जब ब्रेक हो जाती है तब वेट कितना होगा बॉडी का, ये अक्सर कर पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब स्ट्रिंग अचानक ब्रेक हो जाएगी तो जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा। इट मींस स्मॉल ए इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रेक हो जाएगी, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, उस टाइम जो वेट बॉडी का देखिए जरा कितना, यहां पे जरा वैल्यू पुट करिए, W इक्वल टू जी की जगह पे A पुट करिए, यानी एम ए माइनस एम ए इक्वल टू जीरो। इट मींस बॉडी फ्रीली फॉल होने लगेगी। अगर अचानक स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो बॉडी फ्रीली फॉल होने लगेगी, और उस टाइम बॉडी का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा फील। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन थी, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, और ये थर्ड कंडीशन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी गई कि भाई कोई लिफ्ट है, अगर अचानक उसका चैन ब्रेक हो जाए तो वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इफ अ चैन ब्रेक देन द बॉडी फ्रीली फॉल, एंड इन दिस कंडीशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी ए इक्वल टू जी, इट मीन्स द वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये अपेरेंट वेट बॉडी के बारे हमने डिस्कस किया आपसे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंकरेंट फोर्सेज। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंकरेंट फोर्सेज, और कंकरेंट फोर्सेज भी कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछे गए हैं कंकरेंट फोर्सेज के रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं जरा, कंकरेंट फोर्स जो है आपका, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्सेज। ये क्या होता है यार, कंकरेंट फोर्स का मतलब ये है कई फोर्स किसी पॉइंट पे वर्क कर रहे हो और उनके जो एक्शन ऑफ लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पे मिल रही हो, तो ऐसे फोर्सेज को हम लोग कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं। इफ द फोर्सेज, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, हाउ टू डिफाइन द कंकरेंट फोर्सेज, इट मीन्स इफ द फोर्सेज अप्लाइड टू अ बॉडी
or such that the line of action meet at one point, such type of forces or these type of forces are called concurrent forces. एक बार फिर से हम डिफाइन कर देते हैं. इफ द फोर्सेज अप्लाइड टू द बॉडी सच दैट लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट या एट सिंगल पॉइंट देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेज कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेज. देखिए ना, जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक फोर्स यहां पे F1 वर्क कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका F2 वर्क कर रहा है, और तीसरा जो है ये F3 फोर्स वर्क कर रहा है. और तीनों फोर्स देखिए जरा, ये जो O पॉइंट है, इस पॉइंट O पॉइंट पे ही से मिल रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे ही मिल रहे हैं तीनों फोर्स. इसके मतलब ये तीनों फोर्स किस टाइप के फोर्स हुए? कंकरेंट फोर्स है. चुने इन फिगर F1, F2, F3 आर द कंकरेंट फोर्सेज. देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द देयर वेक्टर सम, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम के इक्वल होगा, यानी फोर्स आपके वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर भी लगा दीजिए. तो मेरे हिसाब से कंकरेंट फोर्सेज आपको समझ में आ गया होगा कि किस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कंकरेंट फोर्सेज को. क्या होते हैं? इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट एक्शन ऑफ लाइन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, दिस टाइप ऑफ फोर्सेज कॉल्ड द कंकरेंट फोर्सेज. इन फिगर F1, F2, F3 are the concurrent forces and their resultant is equal to the vector sum of all forces. यानी अगर ये आपका यहां से यहां तक अल्फा वन एंगल ले लें, यहां से यहां तक अल्फा टू ले लीजिए और यहां से यहां तक अल्फा थ्री ले लीजिए, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा? आर वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, ठीक है. अब देखिए जरा, अगर ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है, यानी एक्स वाई प्लेन में वर्क कर रहे हैं, और यहां पे देखिए जरा, इनके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे उसके बाद ही रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं जरा देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, ये वाई है और ये एक्स है. अगर कोई फोर्स इस तरीके से एफ वर्क कर रहा है यहां पे 30 डिग्री पे, तो इसका कंपोनेंट दो होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिधर थीटा है उसको कॉस के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30, और इसके जस्ट अपोजिट साइन होगा, यानी एफ साइन 30. इस तरीके से कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करते हैं. अब यहां पे देखिए, एफ वन जो है आपका फोर्स, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. सेम आपका क्या होगा, इस एफ टू के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक
वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद मेन जो नेट रिजल्टेंट है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। सो इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आर द एंगल्स ऑफ एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री, देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आर एक्स नेट जो हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एफ वन कॉस अल्फा वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा टू प्लस एफ थ्री कॉस अल्फा थ्री, और आर वाई क्या हो जाएगा यानी वर्टिकल कंपोनेंट, एफ वन कॉस अल्फा वन साइन अल्फा वन वर्टिकल कंपोनेंट है ये, प्लस एफ टू साइन अल्फा टू प्लस एफ थ्री साइन अल्फा थ्री। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आ गए। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट आ जाए, मैग्नीट्यूड लेगा इसका, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, आर एक्स चाहिए और आर वाई चाहिए। इट मीन्स आर एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जितने हैं उनका सम चाहिए, और आर वाई का मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनका सम चाहिए, उसके बाद हमें नेट रिजल्टेंट जो है वो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया तो डायरेक्शन भी रिजल्टेंट की क्या होनी चाहिए यह भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे टैन अल्फा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, टैन अल्फा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक। अब अगर जो आपका रिजल्टेंट है आर की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब यह हुआ जो कंकरेंट फोर्सेस ये लग रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी इक्विलिब्रियम में है। यानी इफ द मैग्नीट्यूड आर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज इज जीरो, द कंकरेंट फोर्सेज आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी अगर ये आपका जो आर जीरो आ जाए तो कंकरेंट फोर्सेज जो है वो कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी पे ये फोर्स वर्क कर रहे होंगे, कंकरेंट फोर्सेज वर्क कर रहे होंगे, और उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है आर आर है, तो जो कंकरेंट फोर्स है जो होता है इक्विलिब्रियम में। इट मींस जिस बॉडी पर भी ये वर्क कर रहे होंगे वो बॉडी या तो रेस्ट में होगी अगर इक्विलिब्रियम में है कंकरेंट फोर्सेज, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, दो कंडीशन होगी। यानी मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का अगर वो जीरो है तो जितने फोर्सेज हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि या तो बॉडी वो रेस्ट में होगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब इक्विलिब्रियम किस किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन कैसे हो सकते हैं जरा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि काफी ये भी डिस्कस इसमें भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अब किस कंडीशन पे ये
इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। तो देखिए जरा किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी कि हमारे जो फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम हो। एक ये फोर्स ले लीजिए, इस पॉइंट पे वर्क कर रहा है F1, और एक ये फोर्स इस साइड में ले लीजिए, ये F2। इनका जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट आपका हो जाएगा इन दोनों फोर्स का, ये हो जाएगा F1 प्लस F2, और एक थर्ड फोर्स आप ले लीजिए ये F3, और ये पॉइंट आप ले लीजिए O। यानी थ्री फोर्सेज F1, F2, F3 आर इन इक्विलिब्रियम, यानी जो कंकरेंट फोर्सेज है इक्विलिब्रियम में होंगे। और कब इक्विलिब्रियम में होंगे? व्हेन द सम ऑफ टू फोर्सेज, यानी द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्सेज, यानी एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू माइनस एफ थ्री। तो ये हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इक्वल टू जीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं थ्री फोर्सेज, थ्री कंकरेंट फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू ऑफ देम इज इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड। यानी ये तीन फोर्सेज जो आपके होंगे कंकरेंट फोर्सेज जो हैं ये इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब दो का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाए? थर्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। यानी ये माइनस साइन में इसीलिए शो किया गया। ठीक, तो ये हो गया कंकरेंट फोर्सेज। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए इस पे कैलकुलेट करने के लिए कि रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या आपको इसमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, जैसे एक ये फोर्स वर्क कर रहा है F1, ये 30 डिग्री है, एक दूसरा फोर्स वर्क कर रहा है ये 45 डिग्री है, और एक तीसरा फोर्स वर्क कर रहा है इस साइड में, ये आपका 60 डिग्री है। यानी इसको हम मान लेते हैं 10 न्यूटन, ये आपका 20 न्यूटन और ये आपका 30 न्यूटन। ये आपकी एक्स वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। अब देखिए वैल्यू, यहां पे साइन कन्वेंशन आपको लेना पड़ेगा, और जब आप नेट निकालेंगे, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। अब यहां पे देखिए ये 10 न्यूटन है, इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? और हमने बताया था जब भी आप कंपोनेंट ब्रेक करिए तो जिस साइड में थीटा होगा उधर क्या लेंगे? कॉस लेंगे, यानी जिधर एंगल होगा उधर क्या लेंगे? कॉस लेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट क्या लेंगे? साइन लेंगे। तो यहां पर देखिए ये एंगल इधर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेन कॉस 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टेन साइन 30। ठीक, अब इस वाले एंगल पे आ जाइए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 45 है, यानी 20 कॉस 45, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर हो जाएगा 20 साइन 45। अब इस वाले में आइए जरा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 60 कॉस
60 और वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा 60 साइन 60। कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, अब हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यानी आरएक्स चाहिए। तो आरएक्स कितना हो जाएगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, तो यहां पे ये देखिए हॉरिजॉन्टल है यानी टेन कॉस 30। अब साइन कन्वेंशन लेंगे, यहां पे इस वाले कोऑर्डिनेट में ये तो इस साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ये ओरिजिन है यहां पे, और यहां इस साइड में क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो यहां पे जो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 का 45 एंड 60 का जो है 60, ये क्या लेंगे माइनस में लेंगे, यानी माइनस 20 का 45 माइनस 60 का 60, ये तो आपका आ गया आर एक्स की वैल्यू। अब आर वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, आर वाई कितना हो जाएगा, ये देखिए टेन साइन 30 प्लस, ये भी अपवर्ड में है, प्लस 20 साइन 45, और ये देखिए डाउनवर्ड में है, इस डायरेक्ट यहां पे क्या लेते हैं नेगेटिव साइन, यानी माइनस 60 साइन 60। ये हमारे पास आ गया आर वाई और ये आ गया आर एक्स, इनकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से रिजल्टेंट हमारा निकल जाएगा। अब अगर डायरेक्शन निकालना है तो यहां पे ध्यान देना है, अगर आर एक्स की वैल्यू माइनस आ जाए लेकिन डायरेक्शन निकालते टाइम ये आर एक्स की वैल्यू माइनस नहीं पुट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वहां पे हम साइन कन्वेंशन को निगलेक्ट कर देंगे। यानी टेन अगर हमें निकालना हो, डायरेक्शन यहां पे निकालना हो टेन अल्फा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, तो इस आर एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करेंगे, वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे। या अगर आर वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब भी हम नहीं पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे पॉजिटिव पुट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है कंकरेंट फोर्सेज का, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में काफी आते हैं, नीट या किसी अदर एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना भी टॉपिक्स आपको बताया हमने, जो भी सारी चीज समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसमें दिया रहता है, उस पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है। हाँ, तो अब डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी ना लिफ्ट और कंकरेंट फोर्सेस और उसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिस्कस किए, और अब इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू मासेज M1 12 kg एंड M2 8 kg, यानी दो मास हैं, एक 12 kg है और एक 8 kg है, आर कनेक्टेड एट अ टू एंड ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, एक पुली है उसे दो मास कनेक्ट हैं और जो स्ट्रिंग है जिसे कनेक्ट है वो वेट समझ लीजिए इनएक्सटेंसिबल यानी खिंचाव उसमें नहीं हो सकता, फ्रिक्शनलेस है, हल्की है। एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है और स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन द मासेज आर रियलाइज्ड थ्रू व्हाट डिस्टेंस द 12 केजी मास वुड फॉल इन 0.3 सेकेंड आफ्टर द मासेज आर रिलीज, टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको
इसको जरा फिगर से समझाते हैं तभी आपके समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन है क्या, जरा देखिए, क्योंकि इसका बिना डायग्राम इस क्वेश्चन को आपके समझ में नहीं आएगा। जब डायग्राम आपके सामने होगा तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। एक पुली है, ये इस तरीके से यहां से अटैच है और दो मास हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां से कनेक्ट है, एक ये मास है और एक ये, ठीक है, ये है आपका M1 12 kg और M2 आपका कितना है 8 kg। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये बंधे हुए हैं, ठीक है, उसमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा, ये टेंशन, टेंशन एज लाइक ए फोर्स होता है, टेंशन मीन्स तनाव, इसको इस तरीके से खींचेंगे तो फोर्स ही लगाएंगे तो ये तनाव एज लाइक ए फोर्स ही होता है टेंशन। अब देखिए जरा, क्योंकि ये इसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये बॉडी क्या करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो टेंशन आ जाएगी और एक्सीलरेशन आ जाएगी। फर्स्ट बॉडी के लिए जरा देखिए, इसका वेट भी डाउनवर्ड वर्क करेगा M2g और इसका भी डाउनवर्ड वर्क करेगा वेट M2g। अब ये बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, वेट ज्यादा है तो M2g इज ग्रेटर देन T होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, यानी नेट फोर्स हो जाएगा M2g माइनस T इक्वल टू M2a, यानी F इक्वल टू, हम लोग चलिए फिर से इसको समझा देते हैं सही से, F अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए होता है और F यहां पे कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा F की जगह एम टू जी माइनस टी, यानी एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम की जगह क्या लेंगे एम वन जी, एम वन जी माइनस टी एम वन ए, क्योंकि ये एम वन है ना, ये एक ही क्वेश्चन हमारी बन गई, ये तो फर्स्ट बॉडी के लिए है, फॉर फर्स्ट बॉडी, ठीक। सेकेंड बॉडी के लिए ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, इट मीन्स टी ग्रेटर होगा एम टू जी से, तो यह आ जाएगा टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकेंड ले लीजिए, मेरे हिसाब से इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो मास लिए गए हैं, एक 12 kg एक 8 kg, एक लाइट स्ट्रिंग से पुली के थ्रू ये लटके हुए हैं, इस जो स्ट्रिंग है इस ये वेट सन लाइट है बहुत हल्की है, इनएक्सटेंसिबल है यानी बढ़ नहीं सकती है और फ्रैक्शनलेस है, ये पुली जो है वो फ्रैक्शनलेस है। कैलकुलेट आपको ये करना है कि इस एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये डाउनवर्ड आएगा तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी लगेगी वो कैलकुलेट करना है, दो चीजें तो ये हो गई। और आपको कैलकुलेट ये करना है 0.3 सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये डाउनवर्ड जाएगी जो, ये कैलकुलेट करना है। तो हमने दो इक्वेशन बना ली,
एक फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं जरा। जब दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए ये माइनस टी और ये प्लस टी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आ जाएगा, एम वन ए प्लस एम टू ए। और इसको सॉल्व कर लिए, यहां से एक्सेलरेशन निकल आएगा आपका। इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, इसमें से जी कॉमन ले लीजिए, तो एम वन माइनस एम टू जी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, स्मॉल ए की, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। ये भी है। अब ये फार्मूला एक्सेलरेशन का आपका बन गया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एम वन एम टू की वैल्यू पुट कर दीजिए, जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वैल्यू क्या क्या गिवन है पुट कर देते हैं। तो वैल्यू आपके पास है, ए इक्वल टू एम वन कितना है 12, एम टू कितना है 8 अपॉन 12 प्लस 8, ये 12 है ये 8 है, और जी कितना गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना है 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 20 इंटू 9.8, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9.8 अपॉन 5, और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया, यानी एक्सेलरेशन जो पूछ रहा था बॉडी का वो आपके पास आ गया, और कितना आ गया, ए इक्वल टू 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी की वैल्यू किसी, जो दो इक्वेशन थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, किसी में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और मास पुट कर दीजिए, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, वो थी ये था आपका एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, और टी आपको फाइंड आउट करना है, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वन जी माइनस एम वन ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, एम वन की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी एम वन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, तो एम वन कितना है आपके पास 12, जी है 9.8, माइनस ए कितना आया है 1.96, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टेंशन कितनी आ जाएगी, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 9.8 से 1.96 जरा सेपरेट करिएगा, माइनस 1.96, और ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टेंशन आपकी आ जाएगी 94 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा 94 न्यूटन। ठीक, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया और टेंशन आ गई, अब क्या निकालना है, डिस्टेंस कितनी 0.3 सेकंड में ट्रेवल करेगा जो है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो आंसर आ गए आपके, एक तो टी आ गया आपका कितना 94 न्यूटन। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना ये डिस्टेंस रिलीज हो जाएगा 0.3 सेकंड में, यानी टी की वैल्यू दी है 0.3 सेकंड।
एक्सेलरेशन आपका कितना है 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगा दीजिए, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब रेस्ट में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया, यानी जीरो इंटू 0.3 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है 1.96 और टाइम कितना है 0.3 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू कितने आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। तो तीनों आंसर आपके पास आ गए, यानी s इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है सीबीएसई के, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और भी जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है, रेफरेंस बुक्स में है, उनको सॉल्व करिए, और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, या कहीं पर भी समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी चैनल को हमारे देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर इसलिए कर लें क्योंकि जब भी न्यू लेक्चर वीडियो आएगी तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम फिर एक टॉपिक लेके आएंगे, न्यू टॉपिक फ्रिक्शन, और काफी अच्छा चैप्टर है वो भी, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर में, न्यू लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।